बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का वार्षिक शिक्षक सम्मान एवं पुरस्कार समारोह हुआ संपन्न। झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे स्थित बिरला पब्लिक स्कूल में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का वार्षिक शिक्षक सम्मान एवं पुरस्कार समारोह विजय सभागार में उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुदर्शन कुमार बिरला व सुमंगला बिरला तथा अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। बबीता सिंह प्रधानाचार्य बीपीएस गंगानगर ने सुमंगला बिरला को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत किया। मेजर जनरल रिटायर्ड एसएस नायर एवीएसएम निदेशक बीईटी ने अपने स्वागत भाषण में मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की वर्ष 2021-22 की उपलब्धियों को दर्शाया। इसके बाद मुख्य अतिथि सुदर्शन कुमार बिरला एवं सुमंगला बिरला तथा बीईटी के सभी विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा 130 शिक्षकों को जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, 25 वर्ष एवं 30 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण किया एवं जो चयनित बेस्ट परफॉर्मर रहे उनको सम्मान पत्र, पुरस्कार राशि एवं शॉल भेंट कर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। विद्यालय के मीडिया प्रभारी अतुल कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि समारोह के दौरान बीईटी के पदाधिकारीगण एवं बीईटी के अधीन संचालित सभी स्कूलों का स्टाफ व प्रिंसिपल मौजूद रहे। जो हमारा कार्यक्रम हुआ है ये हर साल की तरह हमने हमारे स्कूलों के टीचर्स जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करता है एकेडमिक फील्ड में, क्लासरूम टीचिंग में और सीबीएसई का क्लास 10 और क्लास 12 एग्जामिनेशन है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके हाई क्लास एवरेज 100 में 100 मार्क्स लेना, इस प्रकार का काफ़ी हमारे टीचर्स हैं हमारे सारे स्कूल मिला के। और हर साल हम इस किस्म का टीचर्स को टीचर्स डे के दिन एक इवेंट करके उस दिन उनको रिकॉग्निशन अवार्ड और रिवार्ड्स दिया जाता है, कैश इनाम भी इसके साथ दिया जाता है। लेकिन इस बार हमने जो सितंबर में थोड़ा सा कोरोना का असर थोड़ा बहुत बाकी था इसलिए हमने उसको आगे करके अभी जब हमारा प्रेसिडेंट बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का प्रेसिडेंट है मिस्टर बिरला आज पिलानी आया था तो उसके साथ इस फंक्शन को भी किया है। उसके साथ साथ हमारे स्कूल में जो सीबीएसई नेशनल अवार्ड टीचर्स मिला है उनको भी रिकॉग्नाइज किया है कैश अवार्ड दे के। टीचर का परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर टीचर अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स भी अच्छा होगा, तब रिजल्ट अच्छा आएगा। तो टीचर का परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करना, उसको रिवॉर्ड देना, उसका टीचर का जो मनोबल बढ़ाना, टीचर का जो रिस्पेक्ट है उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे बिरला एजुकेशन ट्रस्ट में इस तरफ का जो फंक्शंस है इसका मेन उद्देश्य यह है हमारा टीचर्स का हुनर को रिकॉग्नाइज करें और उसका मनोबल लगातार बढ़ाते रहे। हमारे स्कूल में ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है, योगा करेगा, फिजिकल एजुकेशन करेंगे, गेम्स खेलेंगे, उसके बाद उसका टाइम टाइम पर क्लासेस चलेंगे, आफ्टरनून में प्रिपरेटरी क्लासेस चलेंगे, गेम्स चलेंगे, बाहर जाकर गेम्स खेलने जाएंगे, डिबेट, एलोक्यूशन, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, मॉक पार्लियामेंट, इस प्रकार का अलग अलग किस्म का को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में करता है। तो हमारा जो विश्वास है केवल सिलेबस टेक्स्ट बुक पढ़ के मार्क लेने से नहीं होगा। एक बच्चे का अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, स्किल अच्छा है तो बच्चा आराम से लाइफ रेडी हो जाएगा। आवर जॉब इज हमारा काम जो लोगों को हमारे स्टूडेंट्स को जॉब रेडी करना नहीं है, जॉब वो ढूंढ लेंगे, हमारा काम है बच्चों को लाइफ रेडी करना, स्कूल के बाहर निकलने के बाद जो जीवन उसको सक्षम तरीके से बिताना, उसमें सक्सेसफुल होना, उसके लिए तैयार करना है। उसमें 2 मार्क 3 मार्क का कम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट।